विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। इस साल गृह मंत्रालय ने देश में अलग अलग क्षेत्रों से 112 लोगों के नाम चयनित किए हैं। नमस्कार, मैं संजना भारती और टाइम्स फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर साल 2019 के पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी है। पद्म पुरस्कार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में गिना जाता है। 3 श्रेणियों के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान दिए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान देने वालों को दिया जाता है। ये सम्मान कला, सामाजिक कार्य, जन कल्याण, सरकारी क्षेत्र, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, मेडिसिन, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण सम्मान उन्हें दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा अलग हटकर योगदान दिया हो। इसके बाद पद्म भूषण उन्हें दिया जाता है जिनका काम भी सराहनीय होता है, बल्कि पद्म विभूषण विजेताओं की तुलना में थोड़ा कम होता है। जबकि पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया जाता है जो अपने किसी खास क्षेत्र में खास योगदान दिया हो। बता दें कि इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के विजेताओं की भी घोषणा कर दी है। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। ये पहली बार है जब एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न मिलेगा। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में अवार्ड सेरेमनी आयोजित की जाती है जहां उन्हें सम्मानित किया जाता है। इस साल राष्ट्रपति ने 112 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इस सूची में 4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के नाम शामिल हैं। इन विजेताओं में 21 महिलाएं हैं जबकि 11 विजेता ऐसे हैं जो NRI हैं। इसके अलावा 3 मरणोपरांत और 1 ट्रांसजेंडर है। पद्मश्री पाने वाले खिलाड़ियों में गंभीर व छेत्री के अलावा टेबल टेनिस में राष्ट्रीय मंडल खेलों में पदक विजेता शरद कमल, तीरंदाजी में बॉम्बल्या देवी लेशराम, कुश्ती में बजरंग पुनिया, शतरंज में हरिका द्रोणावली, बास्केटबॉल में प्रशांति सिंह और कबड्डी में अजय ठाकुर का नाम शामिल है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बचेंद्री पाल को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार के लिए नामित सभी हस्तियों को बधाई दी है। मैं संजना भारती के साथ प्रतिमा भारद्वाज की खास रिपोर्ट।